बीती रात अड़गड़नाथ मंदिर सुहागी पहाड़ के पास एक यात्री बस और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर के बाद हादसे में 15 यात्रियों की मौके पर मृत्यु हो जाने और कई घायल होने के बाद एक बार पुनः मनगवा से चाक घाट वाया सुहागी पहाड़ की सड़क डिजाइन और गुणवत्ता विहीन कार्य को लेकर पुनः प्रश्न खड़े हो गए हैं। बीती रात 21 अक्टूबर अड़गड़नाथ मंदिर सुहागी पहाड़ के पास अंधे मोड़ पर यात्री बस द्वारा ट्रक पर टक्कर मार दिए जाने के कारण यह भीषण हादसा हुआ है। मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि मनगवा से चाक घाट वाया सुहागी पहाड़ की सड़क डिजाइन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मापदंडों के अनुसार न होने के कारण लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मनगवा चाक घाट सड़क बनने के अगले महीने से ही जगह जगह से टूटने और उखड़ने लगी थी, जो उसकी खराब गुणवत्ता का परिचायक है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर शिकायत और ज्ञापन मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक भोपाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जा चुका है, जिसके उपरांत 28 अक्टूबर 2021 को मामले की जाँच पुलिस अधीक्षक रीवा के निर्देश पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंजीनियर हेमंत सिंह तिवारी के द्वारा की गई थी। इस जांच के दौरान सड़क कई जगह पर गुणवत्ता विहीन पाई गई और टूटी उखड़ी और दबी हुई भी पाई गई थी। एनएचएआई सड़क के विषय में सुहागी पहाड़ सड़क डिजाइन की जांच करवाए जाने की भी बात कही गई थी। मामले में गुणवत्ता विहीन कार्य का मूल्यांकन और सत्यापन करने वाले कंसल्टेंट इंजीनियर और मूल्यांकनकर्ता अधिकारियों पर भी कार्यवाही का उल्लेख मौके पर बनाए गए स्थल पंचनामा में किया गया था। इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा जांच को ठंडे बस्ते में दबा दिया गया और कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसका खामियाजा आमजन को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। देखिए पूरे मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा क्या कहा गया है। रीवा जिले में 21 तारीख की जो दरमियानी रात है, यहाँ सुहागी कटरा से सुहागी की तरफ चाक घाट इलाहाबाद जाने वाली रास्ते में सुहागी पहाड़ पड़ता है, वहाँ पर एक भीषण दुर्घटना हुई है, जिसमें एक यात्री बस ट्रक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 14 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और कई घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है। ये बेहद हृदय विदारक घटना है और ये कोई नई घटना नहीं है जो सुहागी पहाड़ में होती रहती है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और एकाध लोगों का टूटना, मृत्यु हो जाना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन जो इस तरह से एक मुश्त इतने लोगों की मौत हुई है, इस प्रकार की ही बात आते हैं, साल साल में 2-4-6 होती रहती हैं इस तरह से। इसका सबसे बड़ा कारण है इस सुहागी पहाड़ पर बनाई गई सड़क। सड़क तो पूरी ही जितनी बनाई गई है आपकी मनगवा से लेकर के चाक घाट, ये गुणवत्ता विहीन सड़क है और बनने के 6 महीने के अंदर ही ये बैठने टूटने लगी थी, जिसकी ये रिपेयरिंग करवा करके काम चला रहे हैं। अभी भी सड़क की स्थिति ठीक नहीं है, रिपेयरिंग के बावजूद भी पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है। और सुहागी पहाड़ की जो डिजाइन है वो ठीक नहीं है। जब सुहागी पहाड़ में पहले रोड बनाई गई थी तब इतने अच्छे डिजाइनर और इंजीनियर नहीं थे, मैन फोर्स भी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, तो जैसे पहाड़ होता है पहाड़ से किनारे किनारे काट काट करके उस रोड को बनाया गया था, ये तब की बात है, तब धीरे धीरे वाहन किसी तरह से चलते थे। अब जब ये हाईवे की तरह बन गई है और उसी डिजाइन को इन्होंने पास करके आगे बनाया है, नया ट्रैक नहीं बनाया, उस डिजाइन का इन्होंने सही तरीके से जांच नहीं करवाई कि ये डिजाइन परफेक्ट बैठती है कि नहीं, जो इसके मापदंड होते हैं एनएचआई के, उसी डिजाइन पे इन्होंने बनाया, जिसकी वजह से इनकी ख़राब डिजाइन गुणवत्ता विहीन सड़क के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने इस पर शिकायत की थी, मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय से जांच आई थी, जिसमें एसपी रीवा को लिखा गया था, एसपी रीवा के द्वारा जांच करवाई गई थी 28 अक्टूबर। अब 28 अक्टूबर आने वाला है, एक साल अभी नहीं हुआ है, आज 22 अक्टूबर है, तो 28 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर जाँच हुई। एनएचआई के जो एसडीओ आए हुए थे यहाँ पर, हेमंत सिंह तिवारी करके शायद उनका नाम था, रीवा के ही, और उन्होंने जांच के दौरान इसका प्रतिवेदन बना था, पंचनामा बना था, उसमें स्पष्ट तौर पर एक साल हो रहे हैं उल्लेख किया गया था कि इसकी डिजाइन की जांच की जाए, इसकी गुणवत्ता की जांच की जाए, बंसल कंपनी के जो कंसल्टेंट इंजीनियर हैं उनकी जांच की जाए, बंसल कंपनी बनाने के ये जिसने ठीका लिया था उसके इसमें भूमिका की जांच की जाए, लेकिन आज तक न इसमें कोई जांच हुई है, पंचनामा तो बन गया और जांच की हमें कोई जानकारी भी नहीं है, हालांकि उन्होंने बोला था कि जानकारी देंगे। कुल मिलाकर के ये कहना है कि यदि इस तरह से वारदातें यहाँ पर रोकनी है तो इस टोटल सुहागी पहाड़ की सड़क की डिजाइन की जांच करनी पड़ेगी, ये जांच में डिजाइन इसकी सही नहीं है, इसको रिजेक्ट।